कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए और अपने माथहत लोगों को काम करने के टिप्स देने के लिए आईजी चोन गोरखपुर मोहित अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने सदर थाने का मुआयना किया और जरूरी बातों को बताने के बाद शहर का दौरा किया। मुख्यालय के मेन सिद्धार्थ चौराहे पर पहुंचकर सुरक्षा का मुआयना किया और सड़क पर ही व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अपना विजिटिंग कार्ड व्यापारियों के बीच बांटा। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि गांव में चौपाल लगाकर आम जनता और पुलिस की दूरी को कम किया जाएगा। गांव के बीट इंचार्ज लोगों के बीच अपना विजिटिंग कार्ड बांटेगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि व्यापारियों से मिलकर उनकी दुकानों पर सीसी कैमरे लगाने की बात की जाएगी, जिससे संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सके। हम लोग एक ऑपरेशन लगातार पूरे जोन में चला रहे हैं। इसमें सिद्धार्थनगर में भी इस तरह की ऑपरेशन मुलाकात के अंतर्गत गाँव में चौपाले लगाए जाएंगे, जिसमें हम लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ के जो संबंधित उस गांव का बीट का सिपाही होगा, बीट इंचार्ज या जो दरवाजे होंगे हल्का इंचार्ज, वो अपने अपने विजिटिंग कार्ड गांव के लोगों को बांटेंगे और उन लोगों से कहेंगे कि यदि गांव में कोई समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई गलत कार्य हो रहा है, अवैध कार्य हो रहा है, तो उन नंबरों पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। इससे जहाँ पुलिस का अनुसूचना तंत्र मजबूत होगा, वही जनता और पुलिस के बीच की एक खाई जो है वो दूर होगी। जनता की एक हिचकिचाहट होती है पुलिस वालों से बातचीत करने, पुलिस के पास आने की, थाने पर आने की, वो हिचकिचाहट दूर होगी। और इसी तरह के कार्यक्रम हम शहरों में चलाएंगे, जिसमें पैदल रथ के दौरान व्यापारियों से हम लोग मिलकर के उनको विजिटिंग कार्ड बांटेंगे, उनको बताएंगे कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जैसे सीसीटीवी लगवाएं अपने दुकानों के बाहर, इस प्रकार सीसीटीवी लगवाएं यदि कोई व्यक्ति उनकी दुकान में घूम रहा है तो उसका स्पष्ट चेहरा, उसकी गाड़ी उनके सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो। साथ ही बातचीत के दौरान हम उनकी समस्याओं को भी पूछेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे जो लोकल थानाध्यक्ष हैं और जो हमारे चौकी इंचार्ज है, उनको सभी लोग पहचाने, उनके क्षेत्र के सभी लोग पहचाने, ताकि बेचक वो लोग अपनी बात उन तक पहुंचा सके। उनके टेलीफोन नंबर जो हमारे बीच के इंचार्ज हैं, जो थाने के इंचार्ज हैं, उनके टेलीफोन नंबर व्यापारियों के मोबाइल नंबर में फीड रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तत्काल पुलिस को सूचना दे सके।